नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर
हनुमान गढ़ी सरकार की, श्री राम जन्मभूमि सरकार की, नागेश्वर नाथ की, क्षीरेश्वर नाथ की, मोती नाथ महादेव की, बागेश्वर नाथ की, बामेश्वर नाथ की, काशी विश्वनाथ की, पार्वती मैया की, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, गोस्वामी जी महाराज की, हनुमंतलाल जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सरस्वती मैया की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत वर्ष की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम नहीं बन सकते, उन्हें मानव का जन्म नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा दुर्लभ जन्म हमें मिला है तो हम किसी दुख के मारे अपने आप को खत्म क्यों कर लें? कोई दुख ईश्वर से बड़ा नहीं होता, कोई दुख कोई सुख भगवान से बढ़ के नहीं होता। जिस ईश्वर ने आपको सुख दिया उस ईश्वर, अब कल मैंने कहा कि भाई भगवान दुख किसी को नहीं देते हैं, फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें भगवान ने दुख दे दिया, तो जब आपको सुख मिला था तब तो आप ईश्वर को नहीं कहने गए कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे सुख दे दिया, और जब आपको दुख मिला तो भगवान को क्यों कोसने चले? दोनों बराबर स्वीकार करो। उसी तरीके से अगर जीवन में सुख है तो दुख का आना निश्चित है, और जो सुख दुख में समान रहे उसी को संत कहते हैं। संत की ये परिभाषा नहीं है माला लेके जपे और खूब वेद मंत्र पढ़ ले, दुनियादारी पढ़ के तो वो संत है ना। संत यानी स्वभाव, साधु संत ये सब जो शब्द है ना, ये केवल स्वभाव के पर्याय है। आपका स्वभाव जैसा होगा वैसे, जैसे राक्षस जो होते हैं वो भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, है कि नहीं? वो भी इंसान ही होते हैं, उनके भी दो पैर दो हाथ होते हैं, लेकिन कर्म दोनों का अलग है। कर्म अच्छा हुआ तो वही इंसान राम बन जाता है, कर्म नहीं अच्छा हुआ तो वही इंसान रावण बन जाता है। तो इन दोनों ही परिस्थिति में आपको भगवान को ना कोस करके, अपने जीवन को ना कोस करके, बल्कि परिस्थितियों का सामना करना है। जीवन को समाप्त कर लेने से कोई दुख कभी खत्म नहीं होता। और अगर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो मानव कैसा? संघर्ष है तो मानव है, संघर्ष है तो जीवन है। और अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो पशु में और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी कोई संघर्ष नहीं करता, उसे बस खाने से मतलब है, खा लिया सो गए बस, जब भूख लगी तो फिर खाने के लिए निकल गए, और तो कुछ नहीं करता, कमाने तो नहीं जाता, पूजा पाठ तो नहीं करता। लेकिन मानव को ये सब करने का अधिकार है, सब उसको करना। इसीलिए ये जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। दुख में आकर के विपत्तियों से जब गिर जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखना। सुदामा जी के घर की हालत यूं थी कि अगर बरसात हो जाए तो वो बारिश का पानी बाहर नहीं, सारा उनके घर के अंदर आता था, इतना दुख था। लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि आपने मुझे ऐसा किया वैसा किया ना। प्रहलाद जी को उनके स्वयं के पिता ने कितना कष्ट दिया। आप लोग अपनों से आहत होते हो तो सोचते हो कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। अब आप सोचो कि प्रहलाद जी के तो पिता ने उनके साथ इतना गलत किया, उन्हें पहाड़ों से गिरवाया, उन्हें जहर भरा खीर खिलाया, क्या क्या नहीं किया उनके साथ, यहाँ तक कि उनकी सगी बुआ ने उन्हें अग्नि पर लेकर के बैठ गई, होलिका जल जाएंगे हम और प्रहलाद को भी जला देंगे। लेकिन क्या प्रहलाद ने कभी शिकायत किया भगवान से? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी ठाकुर से शिकायत नहीं करता, वो बस हर वक्त यही गाता रहता है। देखो वैसे मुझे एक भजन याद आ गया, कहो तो गा लिया जाए। वैसे इतना जल्दी हम भजन गाते नहीं है शुरुआत में, लेकिन अब बात आ गई तो गा दिया जाए। भक्त कहता है भगवान
बसे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी लेना चाहे दे दे मेरे करता, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी लेना चाहे दे दे मेरे करता, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी तेरी मर्जी में विधाता छुपा कोई बड़ा राज, तेरे मर्जी में विधाता छुपा कोई बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना नाराज, दुनिया चाहे मुझसे रूठे तू ना होना नाराज। तेरी मर्जी में विधाता छुपा कोई बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता छुपा कोई बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना।